शहर के नागरिकों द्वारा विरोध करने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अजनी में प्रस्तावित इंटरमॉडल स्टेशन परियोजना को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन अब शहर की प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक संस्थाएं इसके समर्थन में एकजुट हुई है। शुक्रवार को पत्र परिषद में बुटीपुरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ने अजनी में प्रस्तावित IMS परियोजना का खुलकर समर्थन किया है। वेद के अध्यक्ष शिव कुमार राव ने बताया कि IMS एक यात्री टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो विभिन्न परिवहन जैसे रेल, सड़क, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट तथा पैरामोडल को एकीकृत करता है। इंटरमॉडल स्टेशन यात्रियों को स्टेशन परिसर से बाहर निकले बिना ही ट्रांजिट के दौरान परिवहन मोड बदलने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य शहर में परिवहन नोड्स के एकत्रीकरण द्वारा शहर से बाहर जाने वाली और बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण शहर में होने वाली भीड़ को कम करना है। उन्होंने बताया कि IMS को प्रतिदिन 3,24,000 यात्रियों के लक्ष्य के साथ वर्ष 2050 तक की दूरदृष्टि के साथ डिजाइन किया गया है। काफी समय से ये विवाद चल रहा था, उसमें कोई भी उद्योजक बॉडी इसमें नहीं आई, लेकिन जब अब दो दिन पहले आप सबके माध्यम से समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये प्रोजेक्ट जो कि नागपुर के हित में है ड्रॉप होने वाला है करके हम सबको इसके सपोर्ट में आना पड़ा। यही हमारी एक है कि सब वो अजनी की जगह पर ये प्रोजेक्ट बनने को होना, IMS का फर्स्ट प्रोजेक्ट वहाँ बनने को होना। जो मेट्रो ने करा था वो जरूर सक्सेसफुल हुआ। NHI का अगर मीडिया के माध्यम से अभी शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कि NHI का सक्सेस रेट जीरो है। सर वो तो आप भी करते, ये भी करते, यहाँ बैठा हुआ सब आदमी करता है। आपकी जानकारी में बता दूं लगभग 6,000 से 7,000 कंटेनर महीने के वहां से मूवमेंट होता है, मतलब 6,000 से 7,000 ट्रेलर्स का मूवमेंट होता है हर महीने, लगभग 300 कंटेनर पर मंथ का, 300 कंटेनर पर डे का, ठीक है। एक दूसरी बात, ये जो वॉल्यूम है ये मात्र 30 से 40% पे है अभी, और ये मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ से चावल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर ये उनकी जो कैपेसिटी है, आज ये जो नागपुर का जो व्यापार है उसमें लगभग 10 से 12,000 कंटेनर पर मंथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। जब ये कोविड के बाद में जब नॉर्मल चीजें हो जाएगी, हम इस सिचुएशन में आ जाएगा, तो आप इमेजिन करिए रोज वहां से लगभग 400 से 500 ट्रेलर्स का मूवमेंट होगा। जहां पे आप इंटरमोडल स्टेशन रखेंगे, जहां हजारों लोग बस से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, मेट्रो से आएंगे, वहां पे इतने लोगों का ट्रेलर जो है, इतने जो ट्रेलर्स का मूवमेंट है, वहां पे ये रिस्क फ्री नहीं है, वहां पे ये एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये दूसरा कारण है वहां नहीं होने का, एक तो शहर से बहुत दूर, दूसरा वहां पे कार्गो मूवमेंट। ये सुन मैडम, एक मिनट में एक आपको। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।